एंड शालोम एवरीवन कलीसिया और ज्योति कहेंगे एमेन एमेन। जीसस का नाम भी है, हालेलुया। जब हम जीसस का नाम लेते हैं तो हालातों में बदलाव होना चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। देयर इज शिफ्ट इन द स्पिरिचुअल रियल्म। हे वॉरियर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की प्रशंसा होए। खुदा ने हमें बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और वही परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। शाउट हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ? आमीन। जिन्होंने परमेश्वर पिता को अपना रखवाला की तरह अपनी जिंदगी में पाया, फिर चाहे गॉड ने उन्हें अर्थक्वेक से, पानी से डूबने से, रोड एक्सीडेंट से, प्लेन टर्बुलेंस से, महावारी COVID-19 से, डेंगू से, मानव के बुरी नजर से बचाया, तो वो खुदा को अपना रखवाला कहते हैं। जिन्होंने यीशु की दया पाई वो यीशु को दया सागर कहते हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा का सहायता पाया वो पवित्र आत्मा को अपना सहायक बोलते हैं। आज हम पवित्र आत्मा का परिचय, उनका अनुभव एक नए वे में जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 10:10 में यहुन्ना, जिसे यीशु प्रेम करते थे, कहता है, प्रभु का वचन उसके मुंह में मधु से मीठी तो लगी, पर जब उसके अंदर गया तो उसका पेट कड़वा हो गया। It tasted as sweet as honey in his mouth, but when he ate, his stomach turned sore. आज बाइबल बताता है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, who help us to pray, give strength when we are weak. और हम पवित्र आत्मा को फ्रेंड जैसे सब कुछ बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। इट्स गुड, इट्स रियली गुड। पवित्र आत्मा जो पिता का आत्मा है, वह खुद परमेश्वर है। जो परमेश्वर है, कभी कभी हम उसको आदेश देने लगते हैं। हाउ इज आवर कन्वर्सेशन विद लॉर्ड, स्पेशली जब हम गॉड के पावर में मिनिस्ट्रल वर्क करते हैं, लोगों को मिनिस्टर करते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्रेइंग हम क्या बोलते हैं परमेश्वर को? आपने कभी पंजाब साइड के गॉड के सर्वेंट्स को देखा है, प्रेयर वॉरियर्स? हम भी गॉड के वरदानों को कभी कभी गलत वे में उपयोग करते हैं। एनालाइज टुडे, आज पूरा दिन लीजिए, क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को निर्देश देते हैं या हम उसकी आज्ञाओं को ठहर के, वेट करके, हम उससे सुनकर काम करते हैं? आज कहीं ना कहीं हम मसीही पवित्र आत्मा को आज्ञा देना शुरू कर दिए हैं। मेरी भी लाइंस में विजडम नहीं था और मैं खुद इन गलतियों से बाहर निकली हूँ। हम परमेश्वर को कमांड नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा लीडर है, वो कलीसिया का लीडर है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा बॉस है, हमारा नौकर नहीं है। उसे आज्ञा देने की कोशिश ना करें। हमें सिर्फ मटके में पानी भरने के लिए बुलाया गया है। पानी को दाखरस बनाना यीशु का काम है। यीशु को यीशु का काम करने दे। मार्था और मेरी अपने जीवन से सिखाते हैं प्रभु को क्या बोलना है। उन्होंने मैसेज भेजा, प्रभु जिसे तू प्यार करता है वह बीमार है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, पर्सनली एज अ पर्सन जानते थे कि अगर हम यीशु को इस तरीके से मैसेज डिलीवर करें, उसे आग्रह करें, तो वो ज़रूर आएगा।
अब तक उन्होंने नहीं बोला, यीशु तू लाजर को चंगा कर दे, उसको अपने वचन कहकर डिलीवरेंस दे। कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिंपली यीशु तक मैसेज पहुंचा दिया। मदर मैरी भी सिंपली यीशु के कान तक बात पहुंचा दी। दाकरस खत्म हो गया है, उसने बोला यीशु तू दाकरस ऐसे करके बना, क्या उसने ऐसा कहा या बाहर से खरीद कर लेकर के आया? नहीं, परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दे। हमें जो परमेश्वर ने कहा है उसे बस ओबे करना है। आज हम टू रेफरेंस खोलेंगे जहां हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा यीशु की कलीसिया का बॉस है, लीडर है, जिसका आज्ञा देना है और उसे ही हक है, हमें नहीं। आइए हम सब प्रेरितों के काम को खोलेंगे और हम फर्स्ट रेफरेंस देखेंगे कि पवित्र आत्मा को हमें आज्ञा नहीं देना है। पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया है कि वो हमें आज्ञा दे। तो हम पहला रेफरेंस देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय का 28 वर्स, जहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, पवित्र आत्मा को और हमको। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट में कौन है? पवित्र आत्मा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को आगे रखते हैं और पवित्र आत्मा को पीछे रखते हैं। यहाँ पे पवित्र आत्मा संचालक है, वो बॉस है। प्रेरितों द्वारा लिखे इस पत्र में साफ तौर से इस बात को प्रकट किया गया कि यरूशलेम में जो सभा हुई थी जिसमें यह आवश्यक निर्णय लिए गए थे, उस समय का चेयरमैन पत्रस या अन्य कोई प्रेरित नहीं था। यहाँ पे पवित्र आत्मा का नाम आया है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। यानी उस सभा का संचालक और चेयरपर्सन कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उस सभा का बॉस था, हालेलुया। पत्रस या कोई और प्रेरित नहीं थे, पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर कलीसिया का बॉस नहीं है, पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। आमेन। वो आज्ञा देने के लिए भेजा गया है, आज्ञा मानने के लिए नहीं। होली स्पिरिट हैज कम टू गिव अस ऑर्डर, वी आर नॉट हियर टू गिव हिम ऑर्डर। थैंक यू लॉर्ड फादर। पवित्र आत्मा आज्ञा देने, कलीसिया को तैयार करने और अगुवाई करने के लिए यीशु की ओर से भेजा गया है। वो यीशु की ओर से हमारे लिए एक तोहफा है और आज्ञा मानने के लिए उसे नहीं भेजा गया था, हमें आज्ञा मानना उनकी। हालेलुया। हम दूसरा रेफरेंस देखेंगे प्रेरितों का किताब से ही हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 2, जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पवित्र आत्मा कलीसिया को किस प्रकार ऑर्डर देते हैं, हम इस बात को देखेंगे। कैसे वो अंताकिया की कलीसिया को आज्ञा दे रहा है वो हम देखेंगे, जो हमें मिलता है एक्ट्स चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 2। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि गॉड का काम, गॉड का ओर से दिया हुआ जो मिनिस्ट्री है, हमें कैसे करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पे क्या बोलना है, वो पवित्र आत्मा हमें बताते हैं।
इसी प्रकार वचन में बताया गया है कि पवित्र आत्मा एक बॉस के समान पौलुस और जो उसके साथिया जो थे उनको जो है वो एशिया और बितुनियोस के में वचन न सुनाने की आज्ञा देता है। यहाँ पे हमें जो है पवित्र आत्मा से ही पूछना है कि हमें कहाँ पे उस वचन के बीज को जो है डालना है, बीज को जो है गिराना है, वो पवित्र आत्मा बताता है। और वे फ्रुगियों और गलतियों देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा, कौन है यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। प्रेरितों का काम चैप्टर नंबर 16 वर्स 6-7। आपको पता है ये सेम अनुभव मैंने अपने जीवन में पाया है। मैं आपको सच सच बोलती हूँ, परमेश्वर का आत्मा, कई बार मैंने कहीं कोई मीटिंग सभा होने वाली थी और परमेश्वर ने मुझे मैंने टिकट्स अपने से मैंने टिकट्स करके रखा था, बट एंड मोमेंट में उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर चाहे वो कितने भी पेर का वो टिकट था, बट परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे अलाउ नहीं किया और मुझे रोक लिया। आज भी पवित्र आत्मा आपको रोकेगा बहुत सारी बातों में कि कहाँ पे वचन देना है, कौन से टेरिटरी में जाकर के बोलना है, कहाँ नहीं करना है। तो ऐसे ही यीशु भी ऐसे ही थे कि उन्हें हमेशा पिता से वो हर दिन पूछता था कि आज के दिन के लिए तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ। तो कभी जीसस को परमेश्वर ने कहा कि जा सामरी में जा, वहाँ एक लेडी आएगी, कुएं के पास आएगी, उससे मुलाकात करने जाना। तो जस्ट जीसस वहाँ पे सिर्फ उस लेडी से मुलाकात करने के लिए उस दिन का असाइनमेंट परमेश्वर से पाकर वो गए और उन्होंने उस सामरी स्त्री से मुलाकात की और उसने जीवन के पानी को पा लिया। हालेलुया। फिर एक दिन यीशु फिर जाते हैं परमेश्वर पिता से पूछते हैं कि आज तू क्या चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ। और जिस पेड़ को परमेश्वर ने बरसों से वहाँ पे तैयार किया था कि उसमें उसका बेटा चढ़े और यीशु से उसका मुलाकात हो, वो टाइम आ चुका था और यीशु को भेजा गया। और वो उस जगह पे जब आते हैं तो वो कहते हैं जगह नीचे उतर। हालेलुया। यीशु के पास कोई चर्च नहीं था कि वो डेली सेम चर्च को जाता था। यीशु परमेश्वर की लीडिंग में चलते थे, पवित्र आत्मा उन्हें जो निर्देश देते थे वो वही करते थे। रिसेंटली मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्लेस पे एक मीटिंग था और मैंने परमेश्वर से पहले पूछा, परमेश्वर तो क्या चाहता है कि इस महीने, मई के महीने में मैं कहाँ रहूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं सच बताती हूँ आपको, मुझे उड़ीसा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मैं उड़ीसा जाऊँ। और जब मैं उड़ीसा गई और जहाँ मेरी यहाँ जो मीटिंग था, प्रभु ने वहाँ मुझे अलाउ नहीं किया। मैं बाद में जानी कि परमेश्वर मुझे इतने दूर क्यों लेकर के जा रहे थे। आपको मालूम, जब मैं उड़ीसा गई, अपने होम टाउन रौरकेला गई, और प्रभु ने मुझे मेरे ओल्ड पास्टर जी के पास जाने के लिए कहा, और बहुत छोटा सा कलीसिया है, कोई बड़ा चर्च नहीं है, और वहाँ बहुत सारे लोग, गाँव के लोग आते हैं। और मैं वहाँ पे गई और मैं वहाँ पे बैठी, मैं देखना चाहती थी कि परमेश्वर मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए। मैं उत्सुक थी कि परमेश्वर मुझे क्या बताना चाहते हैं। आज एक लेडी मेरे पास आई और वो तना गई मुझसे, मुझे नहीं पता, और उसे उसे बार बार उसे आ रहा था कि मैं इस सिस्टर से बात करूं। और उसने मुझे अपना परिचय दिया, अपना टेस्टिमनी दिया। वो एक हिंदू बैकग्राउंड से आई थी और उसके घर में बहुत कोई जो है अभी तक प्रभु में आए नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए खड़ी है। मैंने पूछा, बहन आप जीसस से आपका कैसा मुलाकात हुआ, क्या हुआ, जीसस ने आपके जीवन में क्या किया। तो पता है उसने बहुत ही मुस्कान से भरी हुई उसका चेहरा था और उसने कहा, बहन मुझे ना कैंसर है। और मैं जब उसके दिल को देखी कि इतना विशाल हार्ट है, वो परमेश्वर के लिए दौड़ रही है, बहुत दूर से आई थी वो, और वो बोली कि यीशु ने
मुझे डिलीवरेंस धीरे धीरे छुटकारा दे रहे हैं और मेरा कैंसर बहुत इम्प्रूवमेंट में है, और इसलिए मैं यीशु को जानना चाहती हूँ। मैं ये सुन करके हैरान हो गई जो आप नेक्स्ट लाइन सब सुनोगे। उसने कहा, मैं यीशु को जानना चाहती हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे जो पास्टर्स है उन्होंने बहुत सारे पास्टर्स के घरों में जाकर उनसे कहा कि मुझे यीशु के बारे में जानना है, कि आप लोग कुछ टीचिंग्स देंगे। पास्टर्स लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि हम तुझे नहीं सिखा सकते। और उस लेडी का बहुत इच्छा है कि वो जस्ट जीसस को जाने, और उसको सिखाने के लिए कोई नहीं है। उसने मेरे सामने जब ये लाइंस बोला, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रोया और मैंने उसे बोला, आप सच में यीशु को जानना चाहते हो? उसके ऊपर कोई चरवाहा नहीं जो पूर्ण रीति से आत्मा की ओर ड्रिफ्ट करे। तब मैंने बोला, प्रभु तो इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा था? और उसने कहा, उसकी तरफ से उत्तर आया, हाँ मैं इसलिए भेजा था, वो एक को भी बचाने के लिए कितने दूर से वो ले आता है। आज वो लेडी मेरे कांटेक्ट में है और मैंने प्रभु की ओर से पाया है कि यस, मैं उन्हें जीसस के बारे में बताऊंगी। उन्हें बेसिक से सीखना है। सोचिए, गैर मसीह प्रभु में वो प्रभु को जानना चाहती है, उसमें बलवंत होना चाहती है, और प्रभु ने ये असाइनमेंट दिया। तब मैंने जाना कि मेरा जो हमारे प्लेस में जो मीटिंग था, प्रभु ने वो कैंसिल करा के मुझे उड़ीसा क्यों भेजा था। तो ये था प्रभु की योजना। आशा करती हूँ आप लोग इससे बहुत ही देखेंगे कि बहुत सारे लोग भूखे पड़े हुए हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स में ही सिर्फ झुंझलाते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, बट ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। और मेरे गांव में, मेरे जगह पे सारे लोग ट्रेडिशनली चल रहे हैं, रिलीजियसली चल रहे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का जो भूख है वो देख करके मैं रोई, आत्मा में रोया, मेरे साथ साथ पवित्र आत्मा भी रोया। मैंने उसे इस सकने का आवाज सुना। आई होप आज आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा को कई बार जो हम आज्ञा देते हैं, कमांड करते हैं, पवित्र आत्मा यीशु ने हमें इसलिए भेजा है ताकि वो जो आज्ञा दे हम उसकी अगुवाई में उसकी आज्ञा का पालन करें। हम उन्हें निर्देश ना दे बल्कि हम उनके निर्देश पाकर उसे वो आदर दे। यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।